नमस्कार दोस्तों, हेल्थ वीडियो हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे हेल्थ वीडियो हिंदी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और पास बेल आइकन को दबा दें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। दोस्तों, ई श्रम कार्ड बनाने के लिए आपको सबसे पहले ishram.gov.in की वेबसाइट पे आ जाना है। इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां पर क्लिक करेंगे तो इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। यहां पर रजिस्टर ऑन ई श्रम कार्ड, तो इस पे आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आपके सामने सेल्फ रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको जो आधार में मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है वो मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको डाल देना है। उसके बाद में जो कैप्चा यहाँ पे लिखा हुआ है वही कैप्चा आपको सामने बॉक्स में लिखना है। यदि समझ में नहीं आए तो यहाँ से रिफ्रेश आप कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर दोनों में आपको नो पे क्लिक करना है, सेंड ओटीपी पे क्लिक कर लेना है। आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगी, वो ओटीपी डालकर आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। अब आपके सामने यहाँ पर आधार नंबर पूछा जाएगा, जो भी आपका आधार नंबर है वो आधार नंबर आपको डाल देना है। उसके बाद में फिंगरप्रिंट, यदि आंख स्कैन करने वाले या ओटीपी, इनमें से जो भी आपके पास डिवाइड है वो सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे ओटीपी पे आप क्लिक कर लेना और यहाँ पर आप जो कैप्चा है वो डाल के नीचे यहाँ पे टिक मार्क करके सबमिट पे क्लिक कर लेना है। आपका जो भी आधार में मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है उस पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको डालकर वैलिडेट पे क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ओटीपी आपके जो आधार में मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है उस पे यहाँ पे डालना है और नीचे वैलिडेट का ऑप्शन आ रहा है, ये हाईलाइट हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने इस प्रकार का पेज ओपन होगा। यहाँ पर योर पर्सनल आधार डिटेल यहाँ पर आपकी दिखाई देगी और नीचे कंटिन्यू टू अदर डिटेल का ऑप्शन आएगा। सामने आप यदि देखेंगे तो बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एड्रेस, एजुकेशन क्वालिफाई और उसके बाद में जो भी आपकी स्क्रीन है वो है, उसके बाद में बैंक डिटेल। तो इन सभी ऑप्शनों को आपको बारी बारी से चेक करना है और बारी बारी से इन सभी को भरना है और अंत में सबमिट पे क्लिक करना है, तब जाकर आपका ई श्रम कार्ड बनेगा। तो इनमें आपकी जो बेसिक डिटेल है वही पूछा जाएगा, आपको किसी प्रकार के दस्तावेज भी यहाँ पे अपलोड नहीं करने हैं। तो यहाँ पर कंटिन्यू टू एंटर अदर डिटेल है, इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपकी जो भी है वो मांगी जाएगी। उसके बाद में आपको एड्रेस संबंधित मांगी जाएगी, तो हम यहाँ पर कंटिन्यू टू एंटर अदर डिटेल पे हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हमें ईमेल आईडी, मैट्रियल स्टेटस, शादीशुदा है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, सोशल कैटेगरी, जो भी आपकी ओबीसी वगैरह है, यहाँ पर सर्टिफिकेट अपलोड करना अनिवार्य नहीं है। यहाँ पर जो भी रेड टिक है वही आपको भरने हैं, ब्लड ग्रुप। उसके बाद में यहाँ पर आपके नॉमिनेशन डिटेल है, जो आपका नॉमिनेशन है उसकी डिटेल भरनी है, सेव टू कंटिन्यू करना है, फिर आपको एड्रेस भरना है, जो भी आपका एड्रेस है वो सभी आपको वही भरना है। उसके बाद में एजुकेशन क्वालिफाइड में आप कितनी पढ़े हुए हैं वो आपको भरने हैं। उसके बाद में किस का काम करते हैं आप, स्किल, आपका जो भी जॉब है उसका डिटेल लिखना है। उसके लिए आपको वहां पर कोड लिस्ट मिल जाएगी, वो कोड से आप अपना जॉब सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में बैंक डिटेल है, जो आपकी डायरी है उस पे सभी जानकारी लिखी हुई है, वो सब डालकर आपको सबमिट पे क्लिक करना है। और जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपका ई श्रम कार्ड बन जाएगा। तो इस प्रकार आप ई श्रम कार्ड बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर बेसिक जानकारी आपको पूरी कार्ड बनाने की दे दी है, लेकिन मैं यहाँ पर सभी जानकारी फिलअप नहीं कर सकता हूँ, इसके लिए धन्यवाद। और दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय।